हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लेकर आई हूं अंडा की रेसिपी। बहुत ज़्यादा इजी बनने वाली है, सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी जिससे मेरे घर में बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो मैंने यहां पर 6 पीस अंडा ली हुई है, इसे हम सबसे पहले बॉयल करेंगे। बॉयल होने के बाद मैंने छिलका निकाल दिया है और एक चाकू की हेल्प से इस तरह हम छोटे छोटे पीस में यहाँ पर कट लगाएंगे। आप यहाँ पर चाहे तो कांटे वाले चम्मच से भी यहाँ पे होल कर सकते हैं, ये जो चाकू से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी को रेडी कर लिया है। तब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। मैंने एक पैन में लिया है थोड़ा सा तेल, उसमें हम डाल देंगे करीब प्याज। तो मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के प्याज ली हुई है, आप छोटे साइज़ के 4 पीस ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, मैंने यहाँ पर 7 से 8 पीस लिया हुआ है। 2 सूखी मिर्च लेंगे और हल्का सा सभी को हम भून लेंगे। और प्याज को हल्का सॉफ्ट होने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 पीस ली हुई है, आप चाहे तो यहाँ पर क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मिनट के मैंने ढक कर पकाया था, टमाटर गल चुकी है। गैस को ऑफ करेंगे, सिम साइड में रख लेंगे, ठंडा होने के बाद पेस्ट बनाएंगे। अंडा को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपका घर में जो भी तेल यूज करते हैं आप कर लीजिएगा। और सभी अंडे को मैंने यहाँ पर तेल में ऐड कर दिया फ्राई करने के लिए, और तुरंत हम कवर करेंगे नहीं तो तेल देखिए बाहर छींटे आ रहे हैं। तो उसके बाद इस तरह से हम ढक्कन एक तरह हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे और हल्का हल्का चलाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि तेल के छींटे बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए कवर के ऊपर, देखिए ढक्कन के ऊपर आ रहे हैं छींटे, तो आपको ध्यान से यहाँ पर फ्राई करना है। और अंडे में हल्का कलर आ गया है, ज़्यादा तेल उछल रहा है, तो इसलिए मैंने गैस को बंद किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का सा नमक। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और सभी को मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इनको पहले भी आप मैरिनेट कर सकते हैं हल्दी नमक डाल के, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया था। और गैस को फिर से ऑन करेंगे और धीमी आंच में हम इसे हम फिर से हल्का सा भून लेंगे। तो ढक्कन आपको इस तरह से ही रखना है क्योंकि तेल बाहर उछल के आ सकते हैं। देखिए मैंने फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर अंडे को कम ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं जैसे आपके घर पसंद करते हैं। मेरे घर में इसी तरीके से पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा फ्राई किया है। देखिए सभी अंडे फ्राई हो गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसे करी बनाने की तैयारी में। तो मैंने उसी तेल में फिर से डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, मैंने डाला है 4 पीस, मैंने लौंग, 2 पीस इलायची, 1 पीस तेजपत्ता, और हल्का सा इन्हें हम भून लेंगे। जो मैंने पेस्ट अब बनाई थी बस उसे हम डाल देंगे, हल्का सा डालेंगे, ढक्कन लगा देंगे, फिर हम बाकी जो बची मसाला उसको भी हम डाल देंगे। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे, करीब 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब इसमें जाएगा कुछ सूखे मसाले। मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और सभी को हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कश्मीरी मिर्च कलर के लिए डाल रही हूँ, तीखा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसे हम ढक्कन लगा कर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए मसाला जो है यहाँ पर करीब अच्छी तरह से पक चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मसाले में स्वाद अनुसार नमक। आप चाहे तो नमक पानी के डालने के बाद भी डाल सकते हैं, नहीं तो पहले भी डाल लीजिएगा। और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फ्राई किया अंडा ग्रेवी में, ताकि दोनों साथ में भुनेंगे तो अच्छा टेस्ट भी आएंगे, मसाले जो अंडे के अंदर भी आएंगे। तो देखिए मैंने हल्का सा से भून लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पानी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ, ठंडा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाला है थोड़ा सा कसूरी मेथी और मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम कवर कर देंगे और हम 2 बॉयल होने तक वेट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर करीब 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है। देखिए ग्रेवी मैंने इतना थिक रखा है, आप यहाँ पर ग्रेवी पतला गाढ़ा जैसे आपका घर में पसंद करते हैं रख लीजिएगा। मैंने गैस को बंद किया है, धनिया पत्ते मैंने डाल दिया है। मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे घर के सिंपल तरीके आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस रेसिपी ट्राई जरूर से कीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।